आजमगढ़ से। अशफाकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर को राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए बताया कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सरकार ने एक्सप्रेस वे बनाया है और एयरपोर्ट का काम भी 95% पूरा हो गया है और जल्द से जल्द ही आजमगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम में भावी प्रत्याशी डॉक्टर केडी राम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो कम खर्च में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंडल पल्हना विजय बहादुर सिंह, मंडल महामंत्री जयदीप श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री कविंद्र प्रताप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष गोरख मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, अशोक नेता सिधौना, पूर्व मंडल अध्यक्ष डीके सिंह और सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। आप एक बात मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने महान हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नामकरण के बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। हम आदर पूर्वक आजमगढ़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर करने की भी राज्य सरकार की तरफ से घोषणा करते हैं और पूरे आजमगढ़ वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और माननीय गृह मंत्री जी को इस बहुमूल्य सुझाव के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। यहीं से एक संकल्प कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।